जवाब देना चाहिए, किसके कहने से बोला था, उसलिए ये सभी मृत्यु दुर्घटनाएं हुई है। जिस बाबा के सत्संग में गई कई जाने, लगा रहे थे बाबा की जय जयकार, वो निकला माफियाओं का सरदार। अखिलेश की भी आंखें नहीं समझ पाई, करते रहे बाबा पर विश्वास, वहीं कर रहा गरीबों की जमीन पर कब्जा। बाबा का नाम है हरि, हरकतें माफियाओं से भी है गिरी। बाबा की जब जानेंगे भक्त हकीकत, तब समझ में आएगा कैसी थी इनकी हरकत। जिस बाबा पर जनता ने किया आंख बंद कर विश्वास, सुनने के लिए दूर दराज से आए दरबार, वो बाबा निकला ढोंगी बाबा। ये बाबा की हरकतें जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। प्राइवेट आर्मी के बिना चलते नहीं है, एक बाबा को प्राइवेट आर्मी रखने की जरूरत क्यों है? क्या बाबा के आश्रम में भी धंधा चलता है? क्या इस बाबा के आश्रम के कोने में भी लड़कियों को बुलाया जाता है, उन्हें आशीर्वाद देने के नाम पर कई कई रातों तक अपने पास रोका जाता है? हाथरस के जिस बाबा के सत्संग में सैकड़ों लोगों की जान से खिलवाड़ हुआ, उस बाबा की कुंडली जान पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाथरस के जिस बाबा के सत्संग में सैकड़ों लोगों की जान से खिलवाड़ हुआ, उस बाबा के भक्त अखिलेश यादव भी हैं। अखिलेश यादव उनकी कथा में जाते हैं, उनकी जयकार लगाते हैं। जबकि बाबा की कुंडली खुली तो पता चला कि ये बाबा नहीं बल्कि एक माफिया है, जिसके खिलाफ एक बार एक लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद यूपी पुलिस की नौकरी चली गई। घूम घूम कर हर कथा में यही कहता रहा कि मेरे सपने में भगवान आए और मैं बाबा बन गया। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह इसकी पोल खोलते हैं, वो कहते हैं ये काहे का बाबा, ये तो ढोंगी है, कोई बाबा नहीं, ये एक आरोपी है जिसके खिलाफ गंभीर मुकदमे दर्ज है। उसकी चरणों की धूल के लिए जनता ऐसे तड़पती है जैसे उसके पैर छू लिए तो कल्याण हो जाएगा। बाबा के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये आईबी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए बताया जाता है कि बाबा पुलिस के तौर तरीके से परिचित है। वर्दीधारी स्वयंसेवकों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी करने में यह काफी मददगार साबित हुए। बाबा आम साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनते, भदुआ व महंगे गोगल सफेद पैंट शर्ट पहनते हैं। अपने प्रवचनों में बाबा पाखंड का विरोध भी करते हैं, क्योंकि बाबा के शिष्यों में बड़ी संख्या में समाज के हाशिए वाले गरीब दलित आदि आते हैं। उन्हें बाबा का पहनावा और यह रूप बड़ा लुभाता है। इस बाबा का आश्रम जिस गांव में है वहां एक हैंडपंप है। साल 2020 से 22 के वक्त जब कोरोना वक्त चल रहा था, बाबा के चमत्कारी पानी के लिए लोगों की लाइनें लग गई। पुलिस प्रशासन लोगों को रोक रहा था, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि बाबा का दिया हुआ चमत्कारी पानी पीने से उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाबा के घर के पास एक हैंडपंप भी है, जहां से पानी लेने के लिए बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, लंबी लाइनें लगती हैं। कहा जाता है कि वहां पर भी भगदड़ जैसी स्थिति कई बार रह चुकी है, लेकिन जैसे ही कोई व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बाबा की प्राइवेट आर्मी उस वक्त उसे पकड़ लेती। इतना ही नहीं, भोले बाबा के सत्संग में जो भी भक्त जाता है उसे वहाँ पानी बांटा जाता है। बाबा के अनुयायी ऐसे मानते हैं कि इस पानी को पीने से उनकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। एटा में बहादुर नगर गांव स्थित बाबा के आश्रम में दरबार लगता है। यहाँ आश्रम के बाहर एक हैंडपंप भी है। दरबार के दौरान इस हैंडपंप का पानी पीने के लिए भी लंबी लाइनें लगती हैं। जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय फरुखाबाद में भोले बाबा ने सत्संग किया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। यहां उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। उस समय भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों के शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी, उससे कई ज्यादा लोग यहां जुटे थे। भोले बाबा पर जमीन कब्जाने की भी कई आरोप हैं। कानपुर के पिदुन थाना क्षेत्र के करसुई गांव में सकार विश्व हरि ग्रुप पर 5 से 7 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा था। वहीं भोले बाबा का अगला कार्यक्रम 4 से 11 जुलाई तक आगरा में था। सैया थाना क्षेत्र में गोलिया रोड पर नगला केसरी में तैयारी चल रही थी, इसके पोस्टर भी लगाए गए थे। वहीं जब अखिलेश यादव के साथ इसका कनेक्शन दिखा तो कई सवाल खड़े होते हैं, जिसका जवाब हमने भी तराशने की कोशिश की। जब पता चला तो हैरान कर देने वाला है। भोले बाबा के अनुयायी यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में,
एससी एसटी और ओबीसी वर्ग में उसकी गहरी पैठ है। मुस्लिम वर्ग के लोग भी अनुयायी हैं। बाबा का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर पेज भी है। यूट्यूब में 31,000 सब्सक्राइबर है। फेसबुक पेज पर भी ज्यादा लाइक्स नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके लाखों अनुयायी हैं। उनके हर समागम में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। मंगलवार को बाबा का खास कार्यक्रम होता है, उस दिन लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। खुद सफेद पैंट शर्ट पहनने वाले ये बाबा दूसरे को गुलाबी कपड़े पहनने के लिए बोलता है, लेकिन अब दूसरों को टोपी पहनाने वाला बाबा अच्छी तरह से नपने वाला है। किसी भी वक्त ये बाबा गिरफ्तार होने वाला है, क्योंकि सीएम योगी की पैनी नजर अब इस बाबा पर पड़ गई है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब योगी बाबा का बुलडोजर तैयार है, जितने भी दोषी होंगे उन पर बाबा के बुलडोजर का एक्शन होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करने वाला एक आम आदमी इतना ताकतवर कैसे बना कि उसके लाखों में भक्त हो गए। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।